पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे क्षेत्र के कई गांवों में सरकार द्वारा स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए थे, लेकिन अभी तक उनके अंदर किसी भी डॉक्टर की तैनाती नहीं की गई। अब देखना यह है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में बड़ी बड़ी घास जमकर खड़ी हो गई है, ना कोई सफाई व्यवस्था की गई है और ना ही किसी भी अधिकारी का उन स्वास्थ्य केंद्रों की तरफ कोई ध्यान दिया गया है, जो आज सभी स्वास्थ्य केंद्र गिरने की कगार पर खड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि उन स्वास्थ्य केंद्रों में लाखों रुपया सरकार द्वारा लगाया गया था, लेकिन उन स्वास्थ्य केंद्रों पर किसी का ध्यान नहीं है। किसी स्वास्थ्य केंद्र में घास खड़ी है और किसी में किसान अपने जानवर भी बांध रहे हैं। इसी तरह के कई मामले मुंडा पांडे में देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई स्वास्थ्य केंद्र गिर जाता है और किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है, तब उसका जिम्मेदार कौन होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, ये स्वास्थ्य केंद्र जो बने हुए हैं, इसमें कोई डॉक्टर वगैरह मरीज वगैरह आज तक आए देखे हैं आपने? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। ये जो आज तक सरकार ने जो भी अस्पताल बनाए मुंडे पांडी क्षेत्र में, कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जो चल गया हो। ये ज़्यादातर बंद रहते हैं और फिर इसमें कोई खास ऐसा मामला है नहीं जो लागत लगाई हो। तमाम गिर भी गए, जब रह नहीं रहे तो गिर भी रहे। साफ सफाई कुछ नहीं, देखभाल कुछ नहीं हो रही इसमें। हम भी कई दफ़े हो गए और जाने के बाद में हमने देखा, मगर हम लौट लौट के वापसी आ गए। सरकार ने जो भी पैसा लगाया इसमें बेतुका लगाया, कोई कामयाब पैसा नहीं लगा। कोई डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं बैठता। कई दफ़े हम गए, बंदरों काटा हमारे बच्चों ने, हम खुद हो पहुँचे, मगर कोई भी हमें डॉक्टर समय पर मिल नहीं पाया बिल्कुल। कई कई चक्कर हमने लगाए। अच्छा, क्या हो रहा है, कहाँ यूज करा जा रहा है अब? ये पता नहीं भाई कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मगर कोई ऐसा मामला है नहीं। सरकार ने जो भी पैसा लगाई है बिल्कुल, जितने भी अस्पताल हैं सारे गलत रहे और सरकार ने जो भी पैसा लगाया गलत लगाया।